बस आज हकीकी कर दे तू जो मेरे दिल के ख्वाब। इस आश्रम के बारे में दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है सभी सिनेमा घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसलिए बड़े एक्टर और डायरेक्टर अपनी फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं। और हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम ने तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। रिलीज के 5 दिनों में ही इस वेब सीरीज को करोड़ों व्यू मिल चुके हैं। वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रकाश झा का कहना है कि हिंदी सिनेमा तो बहुत सारे लोग जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो समय के साथ चलते हैं और देखते हैं कि चारों ओर क्या हो रहा है और हमेशा किसी विशेष मुद्दे पर ही फिल्म बनाते हैं। साथ ही प्रकाश जी का कहना है कि वो जो भी विषय चुनते हैं वो असल ज़िंदगी से प्रेरित होता है। और प्रकाश जी हिंदी फिल्मों के ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपनी फिल्म में हर एक किरदार को बिल्कुल ही दिलचस्प तरीके से पर्दे पर दिखाते हैं और साथ ही कहते हैं कि यही उनकी असली चुनौती है। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने कई सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाई हैं, जिनमें दामुल, मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण जैसी फिल्में बनाकर समाज की बातों को उन्होंने उठाया है। और हाल ही में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई उनकी वेब सीरीज आश्रम में भी आस्था की आड़ में अपराध को बढ़ावा देने वाले ढोंगी बाबा का सच भी पर्दे पर उतारा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, वेब सीरीज आप एमएक्स प्लेयर ऐप पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। इस वेब सीरीज की रेटिंग 8+ है। लोग इस वेब सीरीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज सभी ढोंगी बाबा की आस्था की आड़ में हो रहे अपराध को दर्शाता है, जिसे देखकर ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए, हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, साथ में ये भी खबरें आ रही है कि आश्रम का चैप्टर 2 जो 9 नवंबर को रिलीज हुआ, ये बात याद रखना आप। जानते दूंगा जी, पर बाबा जी की उम्मीदों को कभी टूटने ना दूंगा जी, प्रॉमिस है मेरा आपसे। जो कि काफ़ी हिट भी गया, ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कई लोग बॉबी देओल का ट्रोल भी कर रहे हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट्स की तो लाइन लगी पड़ी है और साथ ही अब खबरें आ रही है कि आश्रम चैप्टर 3 भी जल्द ही एमएक्स प्लेयर पर ही रिलीज़ होगी। और आपको बता दें कि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आश्रम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में दोस्तों, इस वेब सीरीज में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल बाबा निराला के रूप में नजर आए हैं। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित ये वेब सीरीज आश्रम और आश्रम चैप्टर 2 अभी काफ़ी चर्चे में चल रही है और अब चैप्टर 3 की भी काफ़ी ज़्यादा मांगे हैं। लोग इसे देखने के लिए बेताब है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बॉबी देओल को काशीपुर वाले बाबा निराला के रूप में दिखाया है, जो हमारे समाज में होने वाले नकली एवं ढोंगी बाबाओं की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ढोंगी बाबाओं के काले कारनामे और गंदी सोच को दुनिया के सामने दिखाया है, जिसमें धर्म की आड़ में छिपकर ये बाबा अपने जाल में फंसा लेते हैं एवं उनका फायदा उठाकर उनके साथ घिनौना काम करते हैं। आज तक इन ढोंगी बाबाओं ने न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका इस्तेमाल किया एवं उनके साथ ये घिनौने काम करने के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। उनकी ढोंगी बाबाओं का सच आश्रम और आश्रम वेब सीरीज में उधेड़ कर रख दिया है। इस वेब सीरीज में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने कई ऐसी लड़कियों एवं औरतों को अपना शिकार बनाया, उनका ये सच दुनिया के सामने न आए इसलिए वो उनकी हत्याएं करवा देते थे। वो अकेले ही इन कार्यों को अंजाम नहीं देते थे, इसमें उनकी सारी टीम शामिल होती थी। धर्म के नकली ठेकेदारों पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वहीं ठेकेदार इन भोले वाले लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। आश्रम और आश्रम चैप्टर 2 में बाबा सभी लोगों को उनके बिकने वाले लड्डुओं में ड्रग्स मिलाकर दे देते हैं। ऐसे कुछ सीन्स आपको आश्रम और आश्रम 2 वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे आपको इसके 9 पार्ट। इस वेब सीरीज़ में लगभग 9 पार्ट है और वो सभी 30 से 40 मिनट के। 28 अगस्त को रिलीज़ की गई थी आश्रम चैप्टर 1 और तो और लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है इसके पार्ट 2 का, जिसे इस साल के 11वें महीने यानी नवंबर की 11 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। अगर आपको भी ये वेब सीरीज़ देखनी है तो कृपया करके आप एमएक्स प्लेयर ऐप डाउनलोड कर ले,
क्योंकि उस ऐप पर आपको ये तो क्या सारी वेब सीरीज जैसे स्पेशल ऑप्स, सीक्रेट गेम, द फैमिली मैन और रामायण जैसी हिट वेब सीरीज बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की इस वेब सीरीज आश्रम पार्ट वन को लेकर लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला और इसी प्यार को आधार पर अब इसका पार्ट वन टू इस साल 11 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। तो वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंड्स बॉलीवुड। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हाल ही में रिलीज होने वाली आश्रम चैप्टर 3 वेब सीरीज। दोस्तों आप लोग तो देखते ही होंगे ना वेब सीरीज, अगर नहीं देखते तो प्लीज वेब सीरीज देखना शुरू कर दे, क्योंकि आजकल फिल्मों का तो जमाना है ही नहीं, आजकल सिर्फ वेब सीरीज चलती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें आश्रम चैप्टर 2 को 9 नवंबर को रिलीज किया गया था। वरदान भी कौन होता है, भगवान होता है भोसड़ी के। और इसे एमएक्स प्लेयर ऐप पर 9 एपिसोड के तौर पर रिलीज किया गया था। वेल दोस्तों क्या आप लोग भी वेब सीरीज आश्रम चैप्टर 3 के इंतजार में हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग भी क्या इसके लिए एक्साइटेड है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी तक आश्रम चैप्टर 3 के लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसका बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आश्रम चैप्टर 3 वेब सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको बाबा निराला की नैया डूबने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पम्मी आश्रम से भाग चुकी है और बाबा निराला पम्मी को पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि बाबा निराला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि वो राजनीति को हासिल कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आशियन एक मदर हिस्ट्री कहानी है जो कि बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती है। वह उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो बाबा निराला कह देता है वह इनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है, जो कई गुना भी बढ़ावा देता है। अभी जब नहीं उठा रही तो काहे के लिए गांड में डंडा कर रहे हो? काहे नहीं उठाएगी वो भोसड़ी के, उसकी अम्मा भी उठाएगी, गुनाहों को भी बढ़ावा देती है। कहाँ गई थी? छुट्टी कर रहे थे। इतनी देर तक पढ़िए, देख लो। आश्रम के बारे में दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं एमएक्स प्लेयर पर आश्रम वेब सीरीज के जरिए प्रकाश झा और बॉबी देओल की पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री हुई है। फैंस के लिए किसी मनचाही सौगात से ये कम नहीं है, सच्ची घटनाओं से प्रेरित वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैंस को आश्रम चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार है। इसके 9 एपिसोड आपको मनोरंजन के साथ ऐसी दुनिया से रूबरू कराएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बता दें कि बलात्कार और हत्या जैसे अन्य कई अपराधों के दोषी हरियाणा के ढोंगी बाबा गुरमीत राम रहीम की ज़िंदगी से प्रेरित है। आश्रम वेब सीरीज़ की कहानी ऐसी बुनी गई है कि आप 45 से 50 मिनट तक के हर एपिसोड में फंसते जाते हैं और महसूस करते हैं कि आस्था के नाम पर लोगों के साथ और उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलने वाले बाबा निराला ने पाप की दुनिया इस तरह खड़ी की है कि और एक राज्य की राजनीति, सत्तासीन और सत्ता से बाहर के नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया और उन लोगों से बहुत सारा धन भी लूटा है। रंडीना, बोला हूँ मैं, रंडू मैं रंडी। बाबा के इतने सारे काले काम के साथ साथ उनका सबसे घिनौना काम था वहाँ रहने वाली अलग अलग महिलाओं का डेली बलात्कार करना। ऐसे ढोंग करने पर भी उन पर कई समय तक कोई धब्बा नहीं लगाया गया था, उन पर किसी बात का कोई केस भी नहीं था। हाँ तो दोस्तों अगर आपने भी आश्रम चैप्टर 1 देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। हाँ तो दोस्तों एक समय हरियाणा के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले गुरमीत राम रहीम के पाप का घड़ा किस तरह फूटा और उनका सच बाहर आया, और उसके बाद शासनात्मक कार्यवाही में दंगे भड़के और लोगों की जाने गई, इसी कहानी में कालमिकता का समावेश कर प्रकाश झा ने आश्रम के रूप में एक ऐसी वेब सीरीज बनाई जिस बाबा
आपकी नजरें नहीं हटेगी। आश्रम वेब सीरीज प्रकाश झा के सिनेमाई जादू को बेहतरीन नजराना है, जिसे देख दर्शक वाकई उनके कायल होने वाले हैं। वहीं आश्रम 2 के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने बाबा निराला के रूप में जबरदस्त काम किया है, जिसे देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश है और अगर आप भी देखेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। आश्रम वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसके बाद सभी किरदार ने बेहतरीन काम किया और अपने किरदार में ऐसे ढले हैं जैसे बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम की पाप की दुनिया और तत्कालीन समय की हरियाणा की राजनीति का जीवन चित्रण होने लगता है। ये वेब सीरीज सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। कई लोग तो बॉबी देओल को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं तो कई लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। फिर आश्रम चैप्टर 2 के बारे में दोस्तों, मिर्जापुर की गोलियों और गालियों की आतिशबाजी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वाली की बुकिंग बाबा निराला ने पहले ही कर ली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आश्रम चैप्टर 2 के शो की। शो मेकर्स ने बहुत ही सही समय चुना है, बाबा निराला ने खत्म होते क्रेज को वापस बढ़ा दिया है। इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, ये आपको 11 नवंबर को देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ MX Player ऐप पे। ये वेब सीरीज MX Player पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी। अपने फिल्मी करियर से OTT प्लेटफॉर्म पर शानदार एंट्री करते दिखाई दिए हैं बॉबी। इनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया है, साथ ही भोपा सिंह और उजागर सिंह की एक्टिंग के भी सब कायल हो चुके हैं। आपको बता दें ये वेब सीरीज सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। कई लोग बॉबी देओल को ट्रोल कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बॉबी देओल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। और उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भी अपनी वेब सीरीज आश्रम चैप्टर 1 और 2 का पोस्टर डाल दिया है। आश्रम से भक्तों के दिल पर राज करने और कोई नहीं त्रिशा चौधरी है, जो इस सीजन में बाबा के बहुत करीब दिखाई दे रही है। बाबा निराला और भोपा सिंह एक बार फिर चाल चलते नजर आएंगे तो कभी बीच बीच में वो एक दूसरे के खिलाफ भी नजर आएंगे, क्योंकि बाबा निराला रोज रोज अलग अलग महिलाओं का बलात्कार करता था और बलात्कार करने के बाद उन महिलाओं की हत्या करवा देता था। इस काम में उसके साथ वो अकेला नहीं रहता था क्योंकि उसमें उनकी पूरी टीम उनके शामिल रहती थी, लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ भोपा सिंह ही बोली, जिनके किरदार को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बनी हुई है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।